Hello, welcome to my YouTube channel. Today we'll learn about how to create user for database and how to create login instance by the MS SQL Management Studio. Login instance means आपको पता होगा जब हम Microsoft SQL Server ओपन करेंगे स्टूडियो मैनेजमेंट ओपन करेंगे तो ओपन होने के बाद एक ऑथेंटिकेशन पूछता है कि SQL authentication, Windows authentication and password पूछता है. मैं आपको शो करा देता हूँ अभी. वो देखो authentication पूछता है. authentication देने के बाद user ID and password देने के बाद हम सर्वर पे कनेक्ट हो पाएंगे. वो user ID password हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे. ओके सी सपोज मैं आपको शो करा देता हूँ. वो मेरा SQL authentication सर्वर है एंड विंडोज सफर पर विंडोज ऑथेंटिकेशन पे मैं करूँगा तो मेरे को कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा. बट आई एम प्रीफर गो विथ SQL ऑथेंटिकेशन सर्वर. ओके तो इसमें पासवर्ड पूछते हैं तो ओनली माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, एस एक डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट पासवर्ड है, डिफॉल्ट यूजर आईडी है. पासवर्ड जो है इंस्टॉल करने का टाइम पे हम इनपुट देते हैं, ठीक है ना. तो सपोज मेरा खुद का यू आई डी बनाना चाहता हूँ. जैसे मैं आपको बनाया हूँ, मैं पहले भी दिखा देता हूँ, मैं मेरा परेश यूज़ कर रहा हूँ अभी बना के. तो आप लोग ऐसे कैसे बनाएंगे, परेश जो भी आपका नेम होगा, आप कैसे बनाएंगे एक लॉग इन इंस्टेंस टू कनेक्ट सर्वर. ओके SQL सर्वर तो मैं आपको दिखा दूँगा, उसी वीडियो में दिखाऊँगा. एंड मैं बताया जैसे फर्स्ट में आपको कि हम यूजर क्रिएट करेंगे फॉर डाटाबेस के लिए, पर्टिकुलर डाटाबेस के लिए हम पर्टिकुलर यूजर बनाएंगे एंड इसी यूजर को हम कमांड एक्सेस देंगे, कमांड परमिशन देंगे. मीन्स कैसा कमांड परमिशन देंगे हम, किसी यूजर जो एक्सेल में आपको कमांड पता होगा, जो भी कमांड सिलेक्ट अपडेट इनसेट्स ड्रॉप अल्टर जो भी कमांड्स, बहुत सारा कमांड्स है, पर्टिकुलर यूजर को हम इसी कमांड कैसे एक्सेस करेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा. प्लीज बी टच विथ मी टिल एंड, आई विल गाइड यू एवरीथिंग ऑन डिटेल. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. See, I'll tell you now. I'll go with my Microsoft extension. Let's connect now. It is connected successfully. After that, I'll show you how to create all those options. Now, I'll show you on detail. Okay. मैं एक separate video में बनाऊंगा. वो database में क्या कर सकते हैं हम? And security में क्या कर सकते हैं? एंड सर्वर ऑब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हैं एंड रेप्लिकेशन में क्या कर सकते हैं. बेसिकली वो चार ऑप्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर डाटाबेस इंजीनियर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ओके आई शो यू ऑन डिटेल. तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ डाटाबेस का अंदर क्या क्या है. देखिए डाटाबेस का अंदर जो हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, सपोज आप लोगों को नहीं पता कि डाटाबेस क्रिएट करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, एंड टेबल कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताऊंगा. एंड मैं सपोज बहुत सा डाटाबेस क्रिएट किया हूँ. देखिए डाटा हब एम्प्लॉय डीबी एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सब फॉर्म लिखा हूँ डी प्रीमिस डिपार्टमेंट. उसके अंदर मेरा पास बहुत सारा टेबल होगा, टेबल जिसमें डाटा स्टोर होता है. मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा वो सब अगले वाला वीडियो में, ठीक है. वो सब मेरा टेबल है. तो ऐसे बहुत सारा मैं डाटाबेस क्रिएट किया हूँ. उसके बाद मैं डाटाबेस का अंदर टेबल है, टेबल के अंदर मैं डाटा करूँगा. मैं ऐसा एक बनाऊँगा डाटाबेस जो इसी यूजर को ओनली मैं एक्सेस दूँगा. वही जो एम्प्लॉय डीबी मैं एक यूजर बनाऊँगा, सिर्फ एम्प्लॉय डीबी दूसरा एक यूजर भी एक्सेस कर सकता है. मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, है ना, मेरा बात समझ रहे हो ना. मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा अंदर चार लोग काम कर रहा है. मैं चार लोगों को डिफरेंट डाटाबेस एक्सेस दूँगा कि वो लोग मुझे मेरा असाइनमेंट करके मुझे दे दे फिर, ठीक है ना. किसी डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिसको एक्सेस में दूंगा वही एक्सेस करेगा. मेरे जैसा वो सारा डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, समझ रहे हो आप, ठीक है. तो अभी हम पहला क्वेश्चन की तरफ से हम जाएंगे. मेरा जो पहला क्वेश्चन था क्या था कि हम लॉगिन इंस्टेंस कैसे बनाएंगे, कनेक्ट करने के टाइम पर सर्वर हम ओन कैसे बनाएंगे, ओन लॉगिन इंस्टेंस कैसे बनाएंगे, वो मेरा पहला क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन मैं आपको बना के देखा, है ना. पहले देखिए इधर डाटाबेस का अंदर आप जब एक्सपांड करेंगे ना, सिक्योरिटी ऑप्शन होता है. इधर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सिक्योरिटी ऑप्शन दिखा देता है ना.
एंड बाहर भी एक सिक्योरिटी ऑप्शन है, जैसे मैं आपको बताऊंगा उसको हम एक्सपांड नहीं करेंगे तो ऐसा रहेगा हमारा जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर है ना, वो बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, किधर मूव भी कर सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, बट आई एम कम्फर्टेबल विद इट, ठीक है ना। तो डाटा बेस को एक्सपांड करोगे तो डाटा बेस उसका अंदर रहेगा, एंड उसका अंदर भी एक सिक्योरिटी है, तो कन्फ्यूज मत होना, वो सिक्योरिटी क्या किसी पर्पज का है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, है ना। पहले हम जो लॉग इन इंस्टेंस ना, लॉग इन मीन सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, वो हम इसी सिक्योरिटी का ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद उसको एक्सपांड करेंगे ना, एक लॉग इन ऑप्शन शो कर रहा है, लॉग इन आ गया ना हमारा, जो एक वर्ड इधर मैच कर रहा है देखो, लॉग इन है ना, लॉग इन, वो लॉग इन इंस्टेंस में बोल रहा हूँ कब से आपको, है ना। तो इसी लॉग इन को हम एक्सपांड करेंगे तो आपको मिलेगा देखो सब कुछ इधर, ऑथेंटिकेशन एंड वो है पॉलिसी वगैरह एम एस ऑफिस का, लॉग इन पॉलिसीज में पासवर्ड वगैरह कितना कैरेक्टर का होना चाहिए वो सब बाय डिफ़ॉल्ट इसका अंदर ही स्टोर होता है। एंड मेरा वो है सर्विसेज, मीन्स मेरा जो हॉस्ट आई डी जैसे बोला था ना आपको, सर्वर नेम माई सर्वर डेस्क, वो मेरा यू आई डी है दो बनाया था, माई सर्वर डेस्क वही सर्विस है उसके लिए ना, सर्विसेज वो सब आपको बता दूंगा। एंड उसके बाद वो मेरा है टाइम्स ग्रुप स्लैश परेश डॉट राउत, वो मेरा है डिवाइस का हॉस्ट नेम, समझ रहे हो, वो मेरा डिवाइस का डोमेन आई डी एंड हॉस्ट नेम, हॉस्ट आई डी डोमेन आई डी मिला के है वो, है ना, वो भी डिटेक्ट करता है उधर। एंड उसके बाद जो एस है आपको पता है वो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट लॉग इन इंस्टेंस है, व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू सर्वर बाय द एम एस एक्सप्लोर डेटाबेस इट इज़ आस्किंग फॉर लॉग इन एंड क्रेडेंशियल आई हैव सॉरी बिफोर एंड जैसे पॉलिसी में बनाया था आपको दिखा देता हूँ। तो इसी तरह मैं कुछ डिफरेंट नेम पे बनाऊंगा अभी, है ना, वो कैसे बनाऊंगा मैं आपको अभी बताता हूँ। हम उसको राइट क्लिक करेंगे, लॉगिन को राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू लॉगिन पे जाएंगे, न्यू लॉगिन के बाद इधर साइट पे बहुत सारा ऑप्शन शो कर रहा है, सिलेक्ट पेज जनरल सर्वर रूल्स यूजर मैपिंग ओके सर्चेबल एंड स्टेटस ओके ग्रांटेड डिनाई वो सब बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। पहले हम अभी जनरल पे जाएंगे, एक्चुअली हम यूजर क्रिएट करने वाला है, देखिए इधर भी टू ऑप्शन शो कर रहा है, विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड एक्सक्यूएल सर्वर्स ओके। विंडोज ऑथेंटिकेशन पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैं बोला हूँ आपको, क्योंकि मेरे को मेरा सर्वर पे लॉगिन क्रेडेंशियल, आई रिक्वायर ओन लॉगिन क्रेडेंशियल टू कनेक्ट टू माई सर्वर, सो दैट्स व्हाई आई विल गो विथ, आई प्रिफर यू ऑल्सो प्लीज गो विथ माई एक्सक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। एंड मैं जाऊंगा इधर लॉगिन नेम हम पहले डिसाइड करेंगे, इधर लॉगिन नेम क्या देंगे, सपोज मैं लॉगिन नेम दूंगा अभी माई डेस्क, है ना, लॉगिन नेम दिया मैं क्या माई डेस्क दिया, अभी मैं पासवर्ड दूंगा मेरा ओन पासवर्ड दूंगा मैं, ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ एक कंफ्यूज है, इधर हम जो पासवर्ड में टाइप किया ना वो ओन पासवर्ड नहीं होगा, जब हम एक्सक्यूएल इंस्टॉल किया था ना सॉफ्टवेयर, जो पासवर्ड उसी टाइम पे दिया था वो पासवर्ड उसके साथ मैच होना चाहिए, वो ओन पासवर्ड नहीं है। अरे आपको दिखाऊंगा पासवर्ड कैसे आप चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली पूछेगा एक्सक्यूएल सर्वर पासवर्ड चेंज करने के लिए, जो इंस्टॉल करने का टाइम पे जो पासवर्ड दिया था ना वही पासवर्ड आपको इधर देना पड़ेगा, क्योंकि वो मांगता है कि आप यूजर आई डी बना रहे हो तो उसके लिए पासवर्ड मुझे बताओ क्या पासवर्ड आपने बताया, इफ़ ही आई एम नॉट एडमिनिस्ट्रेटर ओके, आई एम नॉट एडमिनिस्ट्रेटर सम अदर गाइस यूजिंग माय एडमिनिस्ट्रेटर आई डी, इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट वन लॉगिन ऑन लॉगिन क्रेडेंशियल, इफ ही एनीथिंग हैपन ना ऑन दिस ओके, ही विल टेक माई डाटा बैक ऑफ एंड ही विल डू एनी ऑपरेशंस विद द डाटा, इट इज़ नॉट गुड ओके, इट इज़ आउट ऑफ पॉलिसीज आई टी पॉलिसी एंड डाटाबेस पॉलिसीज, सो आई एम टेलिंग यू। तो इसीलिए पासवर्ड चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको खुद ही पता होगा, ठीक है, नहीं तो डाटा बॉस रह जाएगा। तो डिफॉल्ट डाटाबेस आ रहा है, ऐसे क्रिएट कर देंगे हम, ठीक है, इधर कोई सेट करने का कोई जरूरत नहीं है, जो मास्टर है वो मास्टर रहेगा, क्योंकि मास्टर है एडमिनिस्ट्रेटर, फुली पावर उसके पास रहता है, एंड उसको हम जो भी ऑप्शन कुछ नहीं देंगे, हम डिफॉल्ट ही दे देंगे, ठीक है ना, मास्टर रहने दीजिए, क्योंकि हम वो डाटाबेस का ऊपर हम क्रिएट नहीं करेंगे, मास्टर का ऊपर ही करेंगे, ठीक है, उसके बाद ओके लिख देना,
फाइनली हो गया देखो माई डेस्क हो गया। इधर देखो लॉग इन पे इससे परेश था, परेश को भी मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है डिलीट कर दिया। अभी टू टू मेरे पास रह गया जो ऐसे रहे माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट है, एंड माई डेस्क जो है मैं जो खुद बनाया, समझ रहे हो। इफ यू डाउट ना यू कैन ड्रॉप मी कमेंट्स, ओके डेफिनेटली आई विल गिव यू सजेशन इफ यू आर फेसिंग सम एरर्स फॉर दैट। अरे कोई भी एरर फेस नहीं करेगा, बहुत इजी है, ठीक है। अभी हम उसको बैक करके ना कनेक्ट करेंगे। MySQL क्लोज किया, ओपन किया, ओपन करूँगा मेरा नया जो इंस्टेंट बनाया था मैं लॉगिन इंस्टेंट्स, उसका साथ में लॉगिन करूँगा, मेरा सर्वर को कनेक्ट करूँगा, देखते हैं। डिलीट कर दिया, ठीक है ना, वो था माई डेस्क था, राइट माई डेस्क था। एंड पासवर्ड में जो दिया था ना वही पासवर्ड दूंगा, मेरा जो इंस्टॉल का टाइम पे पासवर्ड दूंगा, क्योंकि मैं नया पासवर्ड सेट किया ही नहीं, ठीक है। देखो इधर शो कर रहा है चेंज पासवर्ड, अब भी इधर हम नया पासवर्ड देंगे, समझ रहे हो। अभी मैं नया पासवर्ड दूंगा इधर, डज नॉट मैच यार, कौन सा पासवर्ड दे रहा हूँ, डज नॉट मैच कर रहा है। तो हो जाए भाई, दो बार लोग गलती करते हैं, तीन बार पे हो जाते हैं एक्चुअली, तीन बार तो मेरा हो जाना चाहिए, दो बार गलती क्या होनी। ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये ऊपर इतना पास टाइप हो रहा है, नीचे हो नहीं, ऊपर ऐसे कैसे होता है। फाइनली हो गया, बोला ना दो बार लोग गलती करते, तीसरे बार नहीं गलती करते, ठीक है हो गया। हम देखते हैं अभी, देखेंगे सिक्योरिटी में जाके हमारा लॉगिन्स के अंदर जाएंगे तो इधर टोस दो जो भी है ना कितना इधर तो शो करेगा। अभी हम किसका अंदर है, माई डेस्क का अंदर है, हम एडमिनिस्ट्रेटर का माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट वाला नहीं है, उसमें नहीं है। अभी माई डेस्क का अंदर है तो टू वाला वो जो ऑथेंटिकेशन ऊपर भी बहुत सारा था ना इधर, वो शो नहीं करेगा एक्चुअली इधर, इधर टू यूजर ऑनली शो करेगा लॉग इन इंस्टेंस। देखो लॉग इन होके सक्सेसफुली हो गया, पासवर्ड भी चेंज कर दिया मैं, ठीक है लिखा दिया आपको ना मैं। फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, फर्स्ट ऑपरेशन हमने देख लिया, उसके बाद सेकेंड है हम डाटाबेस के लिए कैसे यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक पर्टिकुलर यूजर क्रिएट करेंगे, एंड थर्ड है यूजर को कैसे हम परमिशन देंगे, समझ रहे हो। अभी मैं जाऊँगा मेरा माइक्रोसॉफ्ट वाला मैनेजमेंट स्टूडियो पे, उसको मैं बैक करूँगा, फिर ओपन करूँगा, एंड उसके बाद मैं कनेक्ट करूँगा मेरा माइक्रोसॉफ्ट वाला डिफ़ॉल्ट लॉगिन के इंस्टेंस का ऊपर, जैसे एसए वाला एसए का ऊपर मैं क्लिक करूँगा, कनेक्ट करूँगा, समझ रहे हो। एसए कनेक्ट हो गया, एंड अभी मैं डाटाबेस के अंदर जाऊंगा, यूजर क्रिएट करूंगा, बताया था आपको जैसे पर्टिकुलर यूजर के लिए मैं डाटाबेस के यूजर को एक्सेस दूंगा, वो डाटा हब है, डाटा हब इसी हब इसी इसमें ना मैं पर्टिकुलर सपोज मैं एक यूजर को क्रिएट करूंगा, यूजर नेम है जॉय मेरा फ्रेंड, वो जॉय को मैं एक्सेस दूंगा इसी डाटाबेस, ठीक समझ रहे हो। बट मैं वो नहीं देना चाहूंगा, वो मेरा पर्सनल है, तो जॉय को मैं दूंगा वो एम्प्लॉय डीबी वाला डाटाबेस एक्सेस दूंगा। तो कैसे दूंगा, मैं सिक्योरिटी में जाऊंगा, सिक्योरिटी जाने के बाद इधर पहले देखो मैं क्या क्या हूँ, ऑपरेशन किया हूँ, डाटाबेस का अंदर गया, वो है यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ,
इसी डाटाबेस को मैं मेरा फ्रेंड जॉय को एक्सेस दूंगा, उसको एक्सपेंड किया, उसके बाद मैं गया, वो ऐसा रहेगा, उसके बाद सिक्योरिटी में गया, देखो वो सिक्योरिटी एंड जो सिक्योरिटी कन्फ्यूज मत होना, पहले बोला था यूजर के लिए क्रिएट करते हैं डाटाबेस को एक्सेस देने के लिए, वो सिक्योरिटी क्यों क्रिएट करते हैं कि लॉग इन इंस्टेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का, समझ रहे हो। तो अभी वो सिक्योरिटी का अंदर मैं गया, उसको एक्सेस करने के बाद यूजर आया, यूजर के बाद एक्सेस यूजर क्रिएट करूँगा, देखो बहुत सारा है, वो हमारा स्कीमा है DBOS स्कीमा, समझ रहे हो। तो उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा यूजर का ऊपर, न्यू यूजर क्रिएट करूँगा, यूजर नेम दूंगा, इधर आप टाइप कर सकते हो विंडोज ऑथेंटिकेशन विंडोज यूजर एंड माई एसक्यूएल यूजर कर सकते हो, कि हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे क्योंकि हम एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन का ऊपर जा रहे हैं, तो हम एसक्यूएल यूजर विथ लॉगिन करेंगे। एंड फ्रेंड दूंगा, मेरा फ्रेंड जॉय नाम का दूंगा, यूजर आईडी बनाऊंगा एक है, तो लॉगिन नेम दूंगा, इधर हम लाइट क्लिक करेंगे, उसके बाद लॉगिन ब्राउज करूंगा किसी का कौन सा ऑथेंटिकेशन एक्सक्यूएल ऑथेंटिकेशन का ऊपर लॉगिन करेगा, वो डिफॉल्ट वाला करेगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा, बट उसको डिफॉल्ट वाला मैं नहीं बनाऊंगा, मैं माइक्रोसॉफ्ट वाला जो बनाया था इंस्टॉल उसी का ऊपर उसको मैं दूंगा, इसी क्रेडेंशियल वो यूज करके वो उसी डाटाबेस को यूज़ करेगा, समझ रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट वाला जो मैं बनाया था ना, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो ऐसे है वो तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, जब भी मैं इंस्टॉल अभी बनाया नया इंस्टॉल वो तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है ना, उसको कुछ लिमिटेड एक्सेस है, तो उसी डेस्क में वो यूज़ करके फिर वो किसी डाटाबेस को यूज़ करेगा मेरा, जो एम्प्लॉय डीबी, समझ रहे हो। हाँ, तो अभी मैं दिया उसको, मेरा फ्रेंड को माई डेस्क दिया, स्कीमा सेट कर दिया एंड ओके कर दिया, एंड डिफ़ॉल्ट स्कीमा हम क्या देंगे, डीबीओ दे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, इधर हम नहीं भी सिलेक्ट करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ऑटोमेटिकली के लिए लेगा डीबीओ ले लेगा, फिर भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे ना, ऑटोमेटिकली डीबीओ ले लेगा, मैं सिलेक्ट नहीं करके दिखाता हूँ आपको, हम स्ट्रगल करना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो ओके कर दिया, ठीक है, हो गया, यूजर इधर जॉय बन गया, देखो यूजर जॉय बन गया, इजी है, बहुत इजी है। तो इस यूजर को मैं कैसे परमिशन दूंगा, कमांड्स, फिर भी सपोज मेरा एम्प्लॉय डीबी में बहुत सारा डाटा है एंड उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है, मैं उसको मुझे कुछ जॉय को भरोसा नहीं है मेरा फ्रेंड को, तो वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा, तो फिर मेरा सारा डाटा लॉस हो जाएगा डाटाबेस से, डायरेक्ट डिलीट करेगा, तो उसके लिए मैं उसको ना डिलीट कमांड के लिए ऑथराइज नहीं करूँगा, मैं ऑनली डाटा को रीनेम अपडेट करने के लिए ऑथराइज करूँगा, एंड इंसर्ट टेबल पे डाटा इंसर्ट करने के लिए, एंड सिलेक्ट डाटा को सिलेक्ट करके फैच करने के लिए मैं उसी कमांड तीन कमांड को उसको एक्सेस दूंगा। तो वो हम कैसे देंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इधर फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज जाएंगे, यूजर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद मेरा फ्रेंड जो यूजर वो आ गया है, बोल परमिशंस, तो परमिशन है उसका स्कीमा, देखो सर्चेबल आप कैसा कौन सा डाटाबेस का ऊपर दोगे, दोस्तों पहले मैं वो आपको अपन करके दे देता हूँ, वो दिखा देता हूँ, वो यूजर पे लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पहले बात है ना, वो हम नहीं देखा अभी तक, नहीं तो आप लोग कैसा मानोगे कि वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रिएट तो हम कर दिया, उसी यूजर उसका अंदर है कि नहीं है जो डाटाबेस उसको मैं एक्सेस दिया था माय डेस्क, कनेक्ट हो गया, वो सो कर रहा है, सिक्योरिटी उसमें क्या मिलेगा, लॉगिन माय डेस्क मिलेगा एंड इसी डाटाबेस का अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, यूजर मिलेगा जो जॉय, समझ रहे, वो जॉय है इसी डाटाबेस को ऑपरेट करेगा और उसका अंदर जॉय नहीं होगा, देखो एक्सेसेबल, सपोज जो डाटा हब शो कर रहा है ना, द डाटाबेस डाटा हब इज नॉट एक्सेसेबल फॉर यू, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर क्या बोल रहा है, मजा आएगा ना आप लोग देख के, देखो इधर मैं क्या डाटाबेस को क्रिएट करूँ ऐसा होगा, इसको मैं क्रिएट करूँगा एक्सेसेबल, उसके एरर आ रहा है एक्सेसेबल नहीं है वो, एंड जब भी उसको मैं क्रिएट करूँगा वो यूज़ करेगा, टेबल को देख देख पाएगा वो,
जो भी टेबल है ना उसका मेरा देख पाएगा वो एम्प्लॉय सोर्स एम्प्लॉय डीबी जो भी उसका अंदर देख पाएगा। फिर भी टेबल को भी हम अभी ऑथराइज नहीं किया है, कमांड्स ऑथराइज नहीं किया है इसलिए शो नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, हम बैक चले जाएंगे, हमारा जो पुराना डाटाबेस मेरा एडमिनिस्ट्रेटर वाला, मैं अभी जॉय को कंप्लीट नहीं किया हूँ टास्क जॉय के लिए, तो अभी मैं अपन करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वाला। तो अभी हम डाटाबेस के अंदर जाएंगे, एम्प्लॉय डीबी के अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, यूजर के अंदर जाएंगे एंड जॉय के पास जाएंगे। जॉय को देखेंगे प्रॉपर्टीज में वो क्या क्या, उसका सब कुछ डिटेल में हम देखेंगे कौन सा डाटा स्पेसिफिक डाटाबेस में देंगे कि ऑब्जेक्ट ऑल टाइप्स देंगे कि ऑल ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलर स्कीमा के लिए देंगे। इधर हम दे देंगे उसको डीबीओ स्कीमा, पर्टिकुलर डीबीओ स्कीमा जो भी है उसी स्कीमा को ओनली वो एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दे दिया उसको, देखो जैसे मैं डीबीओ स्कीमा दे दिया ना, इधर आ गया डीबीओ का जितना रिलेटेड स्कीमा है, जितना रिलेटेड सब कुछ है ना, मीन्स नेम टाइप से है, मेरा डाटाबेस है, सब कुछ इधर आ गया है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, उसको कौन सा कमांड, जैसे आपको बताया परमिशन फॉर डीबीओ कंपनी डाटा है, उससे अंदर आप कौन सा ऑथराइड कर सकते हो, उसको कौन सा कमांड ऑथराइड के लिए दे सकते हो। जैसे मैं दूंगा उसको ओनली इंसर्ट करने के लिए, अभी फिलहाल ग्रांटेड दे दूंगा, विथ ग्रांटेड दे दूंगा, विथ डिनाय दे दूंगा। ठीक है, कौन सा देंगे, मैं ग्रांटेड भी दे दूंगा, सब कुछ उसको दे दूंगा एंड सिलेक्ट दे दूंगा। टू कमांड के लिए उसको मैं ना अभी ऑथराइड करूंगा, ना थ्री दे दूंगा जो को, थ्री कमांड के लिए वो ऑपरेटर ही कर पाएगा, दैट्स इट। समझ रहे हो? आई होप समझ सबको समझ में आ रहा है, एक्चुअली बहुत इजी कॉन्सेप्ट है वो। एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है तो दो तीन बार देखना, बहुत इजी है, बहुत इजी, आसानी से मैं आपको लोगों को बताता हूँ, समझ आना। प्लीज़ नहीं समझना तो मुझे ड्रॉप करना कमेंट, मैं आपको खुद ही सिस्टम एनी डेस्क ले कर बता दूंगा आप लोगों को कैसा करना है प्रैक्टिकली। मैं तो बहुत इजी स्टेप से बताता हूँ आप लोगों को, शायद समझ में आ जाएगा सबको। तो ओके कर देना, देखो परमिशन ग्रांटेड हो गया जो को, अपडेट कमांड एंड इंसर्ट कमांड एंड सिलेक्ट कमांड अपडेट कर दिया। इतना ही वीडियो है, फाइनली हम डिस्कशन करने कर लिया टुडे, क्रिएट लॉग इन इंस्टेंस बाय द एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियोज एंड हाउ टू क्रिएट यूजर, हाउ टू क्रिएट यूजर फॉर पर्टिकुलर डाटाबेस एंड हाउ टू गिव यूजर परमिशंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स। ओके, आई हैव यूर अंडरस्टैंड प्रॉपरली, थैंक यू सो मच, बाय बाय, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।